अब गंदा लग रहा हूँ तो लग रहा हूँ यार, क्या करूँ, सब अच्छे लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं। हाँ तो हम लोग पुणेला आहे आणि वाडा मध्ये जाते। टोनी भाई साहब, हम आपके ढाबे में आए हैं। हाँ, मेरे बचपन की फोटो ऐसे लगी है। इसकी बचपन की फोटो नहीं देखी तूने? हम क्या हॉलीवुड में टोनी स्टार और यहाँ पे टोनी ढाबा। हाँ देखो जी, ऐसी पहला गई वाड़ा, पहला वीडियो नहीं स्टार्ट की थी, मैं बोलने लग गया, मतलब लग गया पता नहीं वीडियो स्टार्ट होगी। पहला ऐसी गई वाड़ा, उतने सानू कुछ नहीं मिला, हूँ ऐसी आया इतने टोनी दे ढाबे, इतने बहुत कुछ मिला पर वेटिंग है, पर असी जुगाड़ लगा लिया, असी उन्होंने कहता भी असी एक्टर आ, गरीब एक्टर, और हम लोगों ने जो यहाँ बढ़िया वाली एक्टिंग करी है। हाँ जी, हम लोग एक्टर है जी, हम लोग एक्टर है, कलाकार है, हम लोगों को जगह दे दो। गेट पे बंदा खड़ा ना, वो पीछे देखो, ऐसी नहीं, अरे देखो वो, देखो ये वाली लड़की ये क्या बैठ के कर रही है, ये तो बिछ गई थी नीचे, लिट गई थी। तो हम लोगों का भूखा चेहरा देख करके वो मान गए, तो फाइनली हम लोग यहाँ हुरेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग शूटिंग पर अपनी लोकेशन पर पहुँचेंगे। दोस्तों मैं अभी हूँ पूना के फल्टन स्थान पर, और जैसा कि मैंने आपको रात को बताया था कि किस तरह से हमारी जर्नी रही है, हम लोग किस तरह से घूमते फिरते खाते पीते नाश्ते गाते यहाँ तक पहुँचे हैं, और होटल के बाहर हम लोगों का डांस तो आप लोगों ने देख ही लिया। अभी एक बहुत सुंदर सा मंदिर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये वाला बहुत प्यारा मंदिर है और ये बहुत बड़ा है, अगर इसको देखेंगे तो आप, ये रोड के बीचों बीच है, ये हमारे राजा राम जी हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब, और जिनकी वजह से हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं और इतने सुंदर स्थान पर हम लोग पहुँच करके इस सुंदर स्थान का आनंद ले पा रहे हैं। आप देखिए, मंदिर दिखाता हूँ आपको,
हाँ, ये हमारे लोकल का टप्पा है मार्केट से इनको लेकर आया बम्बई से, है ना। और अभी अभी मैंने गाड़ी ली है राम ध्वज के पूरी ईमानदारी और पूरी श्रद्धा के साथ आशीर्वाद ले लिया एक तरह से। और भगवान करे जो भी दर्द है, वैसे मुझे कोई दर्द नहीं है, जो भी दर्द आने वाले दर्दों से भी दूर करे। चंदी कुड़ी ये देखो, दिखाओ ये ये राम जी का ध्वज है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि अगर आपके बैक पेन हो रहा हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे रगड़ सकते हो आप, तो दर्द कम हो जाता है। इट्स लाइक एन एंशिएंट एक्यूप्रेशर। हाँ आप बताइए, आप मराठी में भी बोल सकते हैं। हे राम ध्वज आहे राम मंदिरातला, आणि हे पाठ जर दुखत असली कंबर वगैरे ते त्याला असं हे करायचं खांबा, आणि परत नमस्कार करायचं। हे राम ध्वज आहे, राम आता 8 दिवसापूर्वी झाली, पाठ वगैरे हात वगैरे खांदे दुखायचे राहतात त्याने, अशी समजूत आहे, भावना आहे लोकांची, श्रद्धा आहे म्हणून ते ठीक आहे। पहिल्यापासून और यहीं इसी मंदिर में हम लोग की शूटिंग चल रही है, आप लोग देखिए। और शूटिंग का धमाल ऐसा ही होता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और आस्था और विश्वास का मैं कहूँगा कि एक अद्भुत नज़ारा है जो देखते बनता है। आप कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में? ये 240 ईयर्स का पुराना मंदिर है और ये आई साहेब नाईक निंबाळकरांचे आई साहेब यांनी ही मूर्ती अयोध्यावरून आणली आहे। पेटकर म्हणून इथे पुजारी आम्ही, 5वी पिढी आहे। अच्छा, 5वी पिढी। 5वी पिढी आहे आणि रोजच्या रोज रामाचा पोशाख बदलतो आणि गंध वगैरे सगळं रोज बदलतो आम्ही। गंध आहे, गंध गोळीने तारेने काढतो, हाताने काढतो गंध, कुठलाही छाप नाही, काही नाही, काही नाही। रोजचा पोशाख वारानुसार, आज सोमवार आहे, पांढरा आहे, शिवशिंगाचं गंध लावलेलं आहे शंकराचं, आणि शेषावरती याला महापूजेसारखं बसवलेलं आहे आणि लक्ष्मणासारखेच राम उभे, ते मी त्याला आम्ही अटॅचमेंट केलेली आहे। जय श्रीराम, जय श्रीराम। हे उज्ज्वल शंख आहे, जसं की पंडितजीने बताया की हे बहुत रेअर शंख आहे और बहुत ही कम देखने को मिलेगा, या ये कह लीजिए गिनती के शंख हैं इस प्रकार के, कि वो शंख है जिनकी पूजा भी की जाती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं माता सीता, कितनी सुंदर बनावट है, साड़ी है। और ये डेली श्रृंगार होता है जो हमारे पंडित जी करते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 300 साल पुराना ये मंदिर है, 250 से ऊपर है और पंडित जी जो हैं ये 5वीं पीढ़ी से हैं यहाँ पर सेवारत, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इनके यही कपड़े बदलते हैं, पूरा मतलब अच्छा श्रृंगार किया जाता है और जो भी पूजा पद्धति है वैष्णव संप्रदाय से हो गई, हाँ तो पूरी वैष्णव पद्धति से और जो सदियों से जिस तरह की पद्धति चली आ रही है यहाँ पर, उस पद्धति से नियम से यहाँ पर बिल्कुल टाइमिंग के साथ डॉट टाइमिंग पे हम लोगों के यहाँ, हम लोग मंदिर में जब थे तो हम लोग भी जब गेट खोलते थे तो बोलते थे कौशल्या सूत्र जा रामा पूर्वासन दया पूर्व उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदम उत्तिष्ठ गरुण ध्वज। आगे वहाँ मैं आपको गरुड़ जी का भी दिखाऊंगा, तो मुझे लगता है यहाँ पर भी कुछ उसी तरह से जो द्वार खोला जाता होगा। हाँ क्षत्रिय से वचन प्रमाणता की बात करती हो, कसम महादेव की गंगा गंगोत्री को और अपना मुख मोड़ ले, स्वाभाविक धरती अनाज देना छोड़ दे, सब दसना छोड़ दे, क्षत्रिय अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा देवी। ये ना सीढ़ी छोड़ दिया इन्होंने, कट तो हो गया।
वीडियो बन गई, वीडियो बन गई, वीडियो बन गई, वीडियो बन गई।